विदेशी बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच सरकार द्वारा खाद्य तेलों के आयात शुल्क मूल्य बढ़ाए जाने से एक ओर जहां विदेशों में खाद्य तेल कीमतों में गिरावट आई, वहीं दिल्ली तेल तिलहन बाजार में गुरुवार को खाद्य तेल की कीमतों में सुधार का रुख देखा गया। सरकार ने बुधवार रात को कच्चा पाम तेल के आयात शुल्क मूल्य में 185 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जबकि सोयाबीन डिगम तेल का आयात शुल्क मूल्य 183 रुपए और पामोलिव तेल का आयात शुल्क मूल्य 235 रुपए क्विंटल बढ़ा दिया गया। इस वृद्धि के बाद विदेशों में जहां खाद्य तेलों के भाव टूटते दिखाई दिए, वहीं स्थानीय बाजार में खाद्य तेलों के भाव मजबूत हो गए। आयात शुल्क पर ही आयातित तेलों की शुल्क गणना की जाती है। मलेशिया में बाजार बंद रहे, जबकि शिकागो में भाव 0.5% नीचे बोले गए। आयात शुल्क मूल्य में वृद्धि के बाद मूंगफली तेल के भाव मजबूत हो गए। मूंगफली के महंगा होने से गुजरात में बिनौला की मांग बढ़ गई, जिसकी वजह से बिनौला तेल का भाव लाभ के साथ बंद होता हुआ नजर आया। सरकार को सरसों की खेती के समय बिजाई के लिए अभी से बीज का इंतजाम कर लेना चाहिए, ताकि बिजाई के ऐन वक्त में बीज की कमी ना हो। सूत्रों ने बताया है कि हाल ही में सरसों के जो दाम किसानों को मिले हैं, उसे देखते हुए सरसों की अगली पैदावार लगभग 2 गुने से भी अधिक होने का अनुमान है। बाजार जानकारों के मुताबिक सलोनी, आगरा और कोटा में सरसों 9,300 रुपए से बढ़कर 9,400 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।